जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों खाद्य सुरक्षा योजना 2024। खाद्य सुरक्षा योजना में एक नया नियम लागू किया गया है सरकार के द्वारा कि जो पूरे परिवार की EKYC नहीं करवाएगा उसका राशन यानी गेहूं बंद हो जाएगा। इसलिए सभी परिवार के सदस्यों को अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के जाना होगा और EKYC करवानी होगी, अंगूठा लगाना होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। अगर अंगूठा नहीं लगा पाते हैं तो उस स्थिति में उनका राशन जो है वो बंद हो जाएगा। भाई अंगूठा नहीं लग पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आँखों का स्कैन हो जाएगा, उससे भी सत्यापन हो जाए। इससे सरकार यह तय चाहती है कि जो भी कैंडिडेट राशन कार्ड में जिनका नाम है वो उपस्थित हैं या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी है ना बुजुर्ग आदमी जो मर जाते हैं, मौत हो जाती है उनकी, लेकिन वो राशन उनके परिवार वाले लेते रहते हैं। तो सरकार इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि कितने कैंडिडेट जीवित हैं, कितने कैंडिडेट गुजर चुके हैं, फिर भी उनका राशन दिया जा रहा है। तो ये नया नियम लागू किया गया है। अब इसमें एक नई सूचना ये मिल रही है कि पहले तो क्या हुआ था, सरकार ने यह जारी किया था कि जो भी राशन डीलर हैं वो ही करेंगे, ये तुम्हारा जो काम है वो ही करेंगे, ये सत्यापन का काम वो ही करेंगे। लेकिन अब राशन डीलर जो हैं वो जाकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है उन्होंने कि साहब ये हमारा काम नहीं है, हम तो गेहूं बांटने वाले हैं, ये काम हमसे नहीं होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे ये काम। तो इसी प्रकार से एक न्यूज आई है, तो फिर कौन करेगा ये काम, उसकी सारी खबर हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ो, ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, सारी की सारी कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है इस वीडियो के अंदर, एक भी % डाउट आपको नहीं रहेगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप चैनल जुड़ जाइए, यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी जानकारी हम देखने वाले हैं, क्या खबर आई है वो हम देखते हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024, पूरे परिवार की होगी EKYC वरना गेहूं बंद, राशन डीलर नहीं करेंगे EKYC, कहाँ होगी फिर EKYC, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। राशन डीलर तो नटगा भाई, सब मारा बस की बात को ना, मैं तो देखो करणों माना आवे भी को ना, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वो, सही बात है, वो गेहूं बांटने में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, और भी उनके छोटे मोटे काम करते हैं, और फिर बीच में ये काम भी दे दिया जाता है तो उनके आफत हो जाती है, इस वजह से वो ये काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर रहे हैं, फिर भी कोई डाउट हो, कोई शंका हो आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं। राशन डीलर्स फेडरेशन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जितने भी राशन डीलर हैं उन सब ने मिलकर के कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपा है। ये खबर है साथियों कोटपुतली बहरोड की, ठीक है जी, कोटपुतली बहरोड, भाई हमारा ही जिला है ये कोटपुतली बहरोड। देखो इसमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है इन्होंने, और ये जो खबर है आपको, ये खबर कहाँ पर मिलेगी, ये खबर आपको मिल जाएगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये खबर मिल जाएगी। जो भी योजनाओं से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, समाचार पत्र जो भी आती है, न्यूज़ आती है, वो सारी की सारी न्यूज़ टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, इसलिए सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है। अब देखो ज्ञापन में बताया गया है कि हमें प्राधिकार पत्र में केवल खाद्यान्न वितरण का काम किया जाना होता है। इन्होंने ये कहा है ज्ञापन में कि साहब देखो हमें केवल खाद्यान्न वितरण का काम किया करना पड़ता है और हम यही करेंगे साहब। खाद्यान्न वितरण मतलब गेहूं गाँव बांट बो या ही काम साहब मारो, तो ठीक है जी। खाद्यान्न सुरक्षा में चयनित लोगों की EKYC करने में हम असमर्थ हैं, यानी कि जो भी खाद्यान्न सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, गेहूं मिलते हैं उनको, उनकी EKYC करने में हम असमर्थ हैं, यानी कि हमारे काबू नहीं लगेंगे साहब, बिल्कुल। अब कुछ भाई बहन ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर EKYC सभी को करवानी है या किनको करवानी है, तो भैया एक बात मैं आपको बता दूं, जिनको भी राशन कार्ड में समस्या है,
कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका नाम हटवाना हो, जुड़वाना हो, उससे संबंधित कोई समस्या आ रही हो, ठीक है, या कोई ऐसी समस्या हो जिससे भाई गेहूं नहीं मिल पा रहे हो, कुछ काम अटका पड़ा हो, तो उनको बहुत ज़रूरी है ई केवाईसी करवा लेना, ठीक है जी। भाई जिनका नाम हटवाना है और जिनका नाम नया जुड़वाना है, तो वो तो जब नाम हट जाएगा ना तब जा करके ये तो होगा ना, तो नाम पहले हटवाना पड़ेगा आपको, नाम पहले हटवा लो वरना वो बंद कर देंगे, फिर नाम वाम काट देंगे। तो आपको जिसका नाम हटवाना है वो नाम हटवा लेना, जुड़वाना है वो जुड़वा लेना। कब जुड़वाओगे कब हटवाओगे इसका पोर्टल चालू होगा ना तब होगा ये काम। अब पोर्टल तो वो खुला ही नहीं है अभी, तो NFSA ये जो पोर्टल है ये तो अभी खुला ही नहीं है। ये पोर्टल कब खुलेगा, ये तो तुम्हारा अब जून जुलाई में खुलने वाला है, कभी भी इसकी सूचना आ सकती है क्योंकि चुनावों की आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही इसकी कोई सूचना आएगी तो हम आपको जरूर बता देंगे। फिर आपको जो नाम नए जुड़वाने हैं, बच्चे बच्चे हो गए हैं, शादी वादी हो गई है, तो भाई नया जुड़वाओ तो नया जुड़वा लो, हटवाना चाहो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी गुजर चुका है तो उसका नाम हटवाना चाहते हो तो हट जाएगा। वो सारे काम तभी होंगे जब ये पोर्टल खुलेगा, इससे पहले नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो अब कंफ्यूजन ये है कि सब ईकेवाईसी करवाएं कि नहीं करवाएं, तो ईकेवाईसी भी अभी कहां हो रही है। राशन डीलरों ने तो मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे, अब कोई नया देखते हैं किनके पास होगी किनके पास नहीं होगी वो देखते हैं। और ईकेवाईसी उन्हीं को करवानी है जिनका राशन में कुछ समस्या है, राशन नहीं मिलता है उनको ईकेवाईसी करो। जिनको अच्छी खासी राशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सबके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, तो उनको ईकेवाईसी की अभी कोई जरूरत है भी नहीं। यह हम पर अतिरिक्त कार्यभार है जिसका हमें पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है। ये राशन डीलर बोल रहे हैं साहब ये हमारा काम तो है ना, उससे भी ज़्यादा काम, फिर ये हमारे ऊपर अतिरिक्त कार्यभार है, यानी कि ये काम का लोड है एक प्रकार से, और इसका कोई पैसा भी हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। साथ ही उन्हें पिछले 7 माह से मिलने वाले कमीशन का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ये कह रहे कि साहब ये काम तो तुम दे रहे हो, ये तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा लोड है, लेकिन हमने जो पिछले 7 महीने से काम किया है, राशन बांटा है लोगों को, उसका भी हमें कमीशन नहीं मिला है। इनको कमीशन मिलता है, तनख्वाह वैसे नहीं मिलती है, इनको कमीशन इस प्रकार से मिलता है जितने भी आप राशन बांटोगे उसका कमीशन मिलेगा। जैसे मान लो आप इस प्रकार से समझो कि एक कट्टा है 50 किलो का, ठीक है जी, तो 50 किलो का कट्टा है तो 1 किलो गेहूँ पर इनको 80 पैसे के लगभग मिलते हैं, ठीक है, 1 किलो गेहूं पर 80 पैसे के लगभग मिलते हैं। तो एक 50 किलो का कट्टा है जिस पर आप मान के चलो 40 रुपए इनको मिल जाते हैं। अब कितने भी कट्टे इनके निकलते हैं उस हिसाब से इनका पारिश्रमिक वेतन बनता है। अच्छा जी, अब देखो कमीशन का भुगतान नहीं हो रहा है, अतः ई केवाईसी किसी अन्य संस्था से करवाई जाएगी। तो अब ई केवाईसी किसी अन्य संस्था से करवाई जाएगी, कोई मित्र वाले करते हैं या कोई और किसी को सौंपते हैं, जो भी है खबर आएगी तब हम आपको बता देंगे। अभी तो आपको ई केवाईसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई सूचना आएगी तब हम आपको बताएंगे। अब जो राशन डीलर कर रहे थे उन्होंने मना कर दिया है, ज्ञापन सौंप दिया है, तो हम आपको ये सूचना दे देंगे कि जो भी अन्य संस्था से करवाएंगे ई केवाईसी तभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर उसमें यह भी लिखा होगा किन किन को करवानी है, ठीक है ना, अगर सभी को करवानी है तो फिर सभी को करवानी होगी, अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है राशन में उनको ही करवानी है तो फिर वो करवा लेंगे। जो भी खबर आएगी सारी की सारी क्लियर हम आपको समझा देंगे। अभी आपको कहीं पर भी ईकेवाईसी नहीं करवानी है, क्योंकि कहीं पर हो ही नहीं रही है, राशन डीलरों ने तो मना कर दिया है। अब कोई नई संस्था को सौंपा जाएगा ये कार्यभार तो हम आपको सूचना दे देंगे, ठीक है साहब। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।